नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। मजदूर, गरीब, शोषित जो भी व्यक्ति है, बिना अपने जान के परवाह किए हुए इन लोगों ने समाज के लिए, देश के लिए अपना कर्तव्य का पालन किया। इसलिए टोटल सोशल मीडिया, पत्रकार, हमारे 12 बनी क्षेत्र के विधान उपाध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने कल्याणी श्री आंचलिक कमेटी की ओर से इस प्रोग्राम को सजाया और आज इसका शुभारंभ किया जा रहा है। साथ ही आज का प्रोग्राम कल्याणी श्री आंचलिक कमेटी की ओर से, इस बार अपने बातों को हमारे पार्टी के बाबा घोषाल रखेंगे। আমরা এবার আমাদের সংবর্ধনা সভা আরম্ভ করছি। প্রথমে এসপি সিং সানমাক, এসপি সিং সানমাক পত্রিকার সাংবাদিক বন্ধু, ওনাকে সংবর্ধনা জানাবেন আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি বুরা খান মহ। हेलो, आज हम पत्रकारों के लिए बड़ी गर्व की बात है। कलेश्वरी त्रिभुवन कांग्रेस कलेश्वरी आंचलिक कमेटी की ओर से पत्रकारों को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। इसके लिए हम सभी पत्रकार बंधुओं की ओर से कार्यशाली आंचलिक कमेटी के अध्यक्ष बूढ़ा खान के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आने वाले दिनों में वो पार्टी का सेवा करेंगे, कार्यक्रम करेंगे और निश्चित रूप से पत्रकार उनकी सभी कार्यक्रम की रूपरेखा का अपने अपने अखबार एवं इलेक्ट्रॉनिक चैनल के द्वारा इसे जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो सम्मानित करेंगे, सभी इनका तालियों से स्वागत करिए। भाई बहुत सीनियर पत्रकार है, सभी इनका तालियों से स्वागत किया जाए। पत्रकार बंधु सौमित्र गांगुली, सौमित्र गांगुली को एक योद्धा के रूप में सम्मानित करेंगे कल्याणी श्री के आंचलिक कमेटी के बहुत ही बुजुर्ग साथी पवन से, इनका तालियों से स्वागत किया जाए, इनका तालियों से स्वागत किया जाए। सम्मान दिया जा रहा है जहांगीर आलम को, इनका तालियों से स्वागत किया जाए कल्याणी श्री आंचलिक कमेटी की ओर से। आंचलिक कमेटी की ओर से स्वागत करती है, आंचलिक कमेटी इन लोगों का स्वागत करती है। कहा जाता है जो धा के रूप में इनके इन लोगों ने उनका सम्मान के रूप में एसपी सिंह जी के द्वारा और नरेश ठाकुर के द्वारा सम्मान कोरोना योद्धा के रूप में दिया जा रहा है, दिया जाता है। तहे दिल से मार्च महीना से हमारे पूरे देश में जो COVID-19 का एक महामारी बीमारी चला, हम लोगों ने देखा कि पूरे पश्चिम बंगाल में अगर एकमात्र COVID-19 का जो लड़ाई बोलिए या उसके हक के लिए बोलिए या सेवा बोलिए, तीन व्यक्ति को श्रेय जाता है। एक हमारे टोटल समाज के जो पत्रकार बंधु है, प्रेस मीडिया, दूसरा हमारे पुलिस और तीसरा हमारे जो पॉलिटिकल लोग है। पूरे पश्चिम बंगाल में इस महामारी काल में हम लोगों ने देखा
कि भाजपा के लोग कहीं नजर नहीं आए। अब तो हमारे यहाँ के जो सांसद है बाबुल सुप्रियो, दिल्ली के एसी में बैठकर अपने इस कोरोना महाकाल में जिस जगह समाज के लिए एक सेवा का मौका था, एक कोविड 19 से लड़ने का मौका था, समाज में हर जगह सुविधा असुविधा देखने की जरूरत थी, लेकिन हम लोगों ने देखा कि कहीं पर बीजेपी के लोग इस कोरोना महामारी काल में आम जनता के बीच उन लोग नज़र नहीं आए। बड़ा दुख का बात है। इस मौके पर हमारे नेत्री पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री, आप देखे होंगे कि वो वर्षा हो या धूप हो या छांव हो, अपने जीवन को ना परवाह करते हुए पूरे भारतवर्ष में ऐसा पहला एक मुख्यमंत्री है जो सड़क से लेकर गांव तक हर जगह राशन से लेकर हर एक, या आपको बोलिए कि जो सेवा होता है स्वच्छ सेवा होता है, हर जगह वो उपस्थित थे। हमारे बाराबनी विधायक एमएलए, बाराबनी के विधायक माननीय विधान उपाध्याय के नेतृत्व में हमारे पूरे बाराबनी में उनके नेतृत्व में हम लोगों ने जहाँ जहाँ गरीब के लिए, मजदूर के लिए जो सेवा का जो मौका मिला, हम लोग अपना तहे दिल से उन लोगों को सेवा किया। आज क्या प्रोग्राम है? आज हम लोगों का प्रोग्राम था, हम लोगों ने देखा इस महामारी काल में मार्च महीना से जो प्रेस मीडिया के लोग हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, उन लोगों का एक जो संघर्ष, एक कोविड 19 के लिए जो संघर्ष किया, हमें ऐसा नहीं लगता है कि पूरे भारतवर्ष में जो आसनसोल जिला में, पश्चिम बर्धमान में जो प्रेस मीडिया के लोग हर वक्त अपने जीवन को दांव पर लगाकर जो मनुष्य के साथ रहा, सेवा किया, समाज के लिए लड़ाई लड़ा, मैंने एक आश्चर्यजनक घटना है जो इन लोगों का कल्याणेश्वरी आंचलिक कमेटी इनका तहे दिल से स्वागत करती है और बाराबनी विधायक इन लोगों का नेतृत्व को स्वीकार करते हुए आज जो बुकलेट दिया गया है आप लोगों को, वहां पर हमारे बाराबनी विधायक का सिग्नेचर है, आंचलिक कमेटी का के और से बुढ़ा खान सभापति के तौर पर सिग्नेचर है, आप लोगों को स्वागत के रूप में ये बुकलेट दिया गया है। हम भगवान से, अल्लाह से, गौर से ही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहिए और समाज के लिए आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया है वो बीड़ा को आप लोग उठाते रहिए। আজকে লেফট ব্যাংক এখানে স্বর্গীয় রাকেশ সিং এবং স্বর্গীয় আশিক মল্লিক সত্তার উদ্দেশ্যে এখানে ফুটবল প্রতিযোগিতা হচ্ছে, আজকে এটা উদ্বোধন হলো। আগামী 28 তারিখ এটা ফাইনাল আছে, তো তাদেরকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এবং তাদের যে কর্ম, তারা যেভাবে এই অঞ্চলে কাজ করেছে, যাতে তাদেরকে সবাই মনে রাখতে পারে, এই কারণে উদ্দেশ্যটা এটাই। আমরা 98 থেকে জন্মনগর থেকে তৃণমূল করছি এবং সিপিএম এর বহু অত্যাচারের সঙ্গেও আমরা কিন্তু মানুষের পাশে ছিলাম। বরাবর আমাদের সঙ্গে যুব সমাজ আছে, আমরা কিন্তু সেই যুব সমাজকে নিয়ে লড়েছি এবং 2011-তে সিপিএমকে উৎখাত করে আমরা কিন্তু এসেছি। পার্টি আমাদেরকে বরাবর সম্মান দিয়েছে, আমরা কিন্তু চাই সম্মান, আমাদের কোনো কিছু লোভ নেই, সম্মান পেলেই আমরা যথেষ্ট। আমাদের কাছে পার্টি গুরু দায়িত্ব দিয়েছে আমাদেরকে, এখন যুবর দায়িত্ব এখন প্রচুর বেশি আমি মনে করি, কারণ এখন যুব সমাজই ভোটের ময়দানে লড়বে এবং যুব সমাজ দিয়েই ভোট আমাদেরকে পাই করতে হবে। তাই আমার মনে করি 2020-তে এই একটা গুরু দায়িত্ব আমার কাছে এসছে, আশা করি এই গুরু দায়িত্ব আমরা যথাসম্ভব পালন করব।
যেমন ভাবে আমরা পালন করে এসেছি সেইভাবে আমরা পালন করব এবং মানুষের পাশে থাকব এবং যুব সমাজ আমার সঙ্গে আছে এটা আমি আশা করি। আজকে মদনপুর তৃণমূলের পক্ষ থেকে যে সম্বর্ধনা দেওয়া হলো পেয়ে কিরকম আনন্দ হচ্ছে? সত্যিকারের খুশি, মদনপুর থেকে আমরা সম্মানিত হয়েছি, মদনপুরের সবাই আজকে আমাদেরকে সম্মান দিয়েছে, এটা সত্যিকারের আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। কারণ আমরা পার্টি করি একটাই উদ্দেশ্য যে মানুষের কাছে ভালোবাসা, মানুষের কাছে আন্তরিক অভিনন্দন, এটাই আমাদের কাছে অনেক বেশি। হ্যাঁ, ভোট দিকে তো বিজেপি চাষ করুন, পড়ে পড়ে গিয়েছিল, হ্যাঁ পড়ে গিয়েছে হয়তো, বুঝিয়েছিল কে ভোটে না জানলে। যদি কোনো কিছু হয়ে যায় তাহলে আমি ফাঁসবো। পাল্টা হবে।